नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ 2 अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपके लिए एक क्विज लेके आऊंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हमारी नई वीडियोज की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द पा सको। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समाज कल्याण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को बैंक खातों के साथ जोड़ने की अनिवार्यता को समाप्त किया? सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि किसी भी जिस भी आदमी का बैंक में खाता है, उसका खाता आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है, लेकिन दिल्ली सरकार ने स्पेशल समाज कल्याण सेवाओं के लिए इस अनिवार्यता को समाप्त किया है। बाकी केसेस में ये एज इट इज रहेगा, यानी आपका अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए। तो ऐसा दिल्ली सरकार ने किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किन समाज कल्याण सेवाओं के लिए ऐसा किया गया है, तो ये समाज कल्याण सेवाएं हैं वृद्धावस्था और विधवा पेंशन जैसी योजनाएं। ऐसा करने से इनकी जो पेंडिंग पेंशन है वो अब जारी कर दी जाएगी, और इनको आधार कार्ड से लिंक ना होने पर भी इनकी पेंशन मिलती रहेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर अब्दुल रहमान उल दाखिल को वैश्विक आतंकी यानी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है? तो इसमें आंसर आएगा, ऐसा अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने अब्दुल रहमान के साथ साथ हमीदुल हसन और अब्दुल जब्बार को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। भारत पर 1997 से लेकर 2001 तक जो भी हमले हुए थे, उसमें लश्कर ए तैयबा का मुख्य संचालक अब्दुल रहमान था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी किंग पेंगुइन की कॉलोनी किस देश में मौजूद है, जहां इनकी आबादी में पिछले 35 वर्षों में 88% की कमी दर्ज की गई है? तो किंग पेंगुइन की कॉलोनी, सबसे बड़ी कॉलोनी, ब्रिटेन में मौजूद है। यहाँ पिछले 35 वर्षों में 88% की कमी इसमें दर्ज की गई है। इंसानों की तरह व्यवहार करने वाले किंग पेंगुइन दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं, और ये पक्षी अब लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। साउथर्न इंडियन ओशियन या दक्षिण महासागर में एक द्वीप है इले ओक्स कोचेंस। यहाँ पर पेंगुइन प्रजातियों की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी मौजूद है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के लाभ हेतु किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें आंसर आएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के लाभ हेतु विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ज्ञापन पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के सीईओ डॉक्टर इंद्रभूषण एवं CSC SPV के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी ने हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? तो 2018 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार गोपाल कृष्ण गांधी को दिया जाएगा। यह 24वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है जो कि गोपाल कृष्ण गांधी को दिया जाएगा। गोपाल कृष्ण गांधी को यह पुरस्कार जवाहर भवन में 20 अगस्त को दिया जाएगा। गोपाल कृष्ण गांधी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर दिया जाता है। इसे शांति, सांप्रदायिक सद्भाव के संवर्धन और हिंसा के खिलाफ लड़ाई में उनके दीर्घकालिक योगदान की याद में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी और स्पेनिश वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस आकार की नई कोशिकाओं की खोज की है? तो इसमें आंसर आएगा, स्क्यूटोइड। वैज्ञानिकों ने एपिथेलियल कोशिकाओं के अध्ययन के दौरान मानव कोशिकाओं के नए आकार स्क्यूटोइड की खोज की है। इसका आकार आप फिगर में देख सकते हो,
स्क्यूटोइड आकार में एक और पांच किनारे जो कि येलो में दर्शाया गया है, और दूसरी ओर छह किनारे होते हैं जो कि ग्रीन से शो किया गया है। लंबे किनारे की ओर त्रिकोणीय क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपना समय का पहला गाय अभयारण्य स्थापित करने जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा, गायों के संरक्षण के लिए राजस्थान अपना पहला गाय अभयारण्य स्थापित करने जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह अभयारण्य राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसमें आंसर आएगा, राजस्थान यह अभयारण्य बीकानेर जिले के नापासर में बनाएगा। राजस्थान की प्रेजेंट की मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे। अगला प्रश्न है, जापान की वित्तीय सेवा कंपनी नोमरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 की दूसरी छमाई में भारत की वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रह सकती है? तो इसमें आंसर आएगा, नोमरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वृद्धि दर घटकर 7.2% रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लास्ट मंगलवार को ही TCS को पछाड़कर नंबर वन बन गई थी, लेकिन TCS ने नेक्स्ट डे यानी बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से पुनः सबसे बड़ी कंपनी होने का दर्जा हासिल कर लिया। तो इसमें आपका आंसर आएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी फोर्ब्स सूची के अनुसार 2018 में लगभग 40.1 अरब डॉलर की निजी संपत्ति के साथ दुनिया के 19वें सबसे अमीर आदमी है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के CEO है राजेश गोपीनाथन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने चीन और किस देश से सोलर सेल के आयात पर 25% संरक्षण शुल्क लगाया है? तो इसमें आंसर आएगा, केंद्र सरकार ने चीन और मलेशिया से सोलर सेल के आयात पर 25% संरक्षण शुल्क लगाया है। इसका उद्देश्य है घरेलू सोलर सेल निर्माता सेक्टर की सहायता करना है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एशियाई देशों के लिए फ्लैश फ्लड चेतावनी प्रणाली विकसित करने का कार्य किस देश को सौंपा है? तो इसमें आंसर आएगा, फ्लैश फ्लड चेतावनी प्रणाली विकसित करने का कार्य भारत को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी की है? तो इसमें आंसर आएगा, महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस राज्य में जारी किए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के आखिरी ड्राफ्ट को लेकर कहा है कि इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या के लोग नागरिकता विहीन हो सकते हैं? तो ऐसा असम सरकार के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पहलवानों ने इस्तांबुल तुर्की 2018 में यासर डोगु इंटरनेशनल में कुल कितने पदक जीते? तो इस टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक सहित भारत ने कुल 9 पदक अपने नाम किए। इसमें 7 पदक महिलाओं ने हासिल किए, बजरंग पुनिया और पिंकी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। क्विज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज की क्विज है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर अपना लोगो जारी किया है? ऑप्शन ए है 40 ईयर्स, बी ऑप्शन है 50 ईयर्स, सी ऑप्शन 60 ईयर्स और डी ऑप्शन 90 ईयर्स। क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई 2018 को किस शहर में आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप में हिस्सा लिया? तो आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन लखनऊ और डी ऑप्शन पटना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही स्टडी जोन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी जोन के साथ साथ स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब्स चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। आप YouTube के साथ साथ हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं।
इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।